सर आज मल्टीपल इंटरव्यूज लाइंड अप है, फर्स्ट फॉर सेल्स मैनेजर एंड एक्सक्यूज मी, ये कहाँ घुसे चले आ रहे हो? एक तो तुम मांगने वालों ने हद कर रखी है। नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तुम और इंटरव्यू, तुम्हारे से लोगों को हायर कर लिया ना तो तुम्हारे आधे से ज़्यादा काम तो हमें ही करने पड़ेंगे। आपको नहीं लगता आप कि आपको मुझे मेरी डिसेबिलिटीज़ नहीं बल्कि कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से जज करना चाहिए? कैपेबिलिटीज़ तो मैं अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेज दूँ ना तो शाम से पहले तो तुम वापस नहीं आने वाले। बात करते हो कैपेबिलिटीज़ की, सर आई थिंक आपको एक चांस देकर देखना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है, नाउ गेट आउट। सही देखा आपने? क्या हो गया, इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? सर डिजिटल मैगजीन में देखिए क्या प्रिंट हुआ है। डिपार्टमेंट हेड मिस्टर शेखर झा, जो कि एक लीडिंग न्यूज़पेपर को लीड कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को उनकी डिसेबिलिटीज के ऊपर। पिछले ही हफ्ते जब मैं हमारी मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू लेने के लिए गया तो उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू ही समझा और मेरी डिसेबिलिटीज को जज करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने मुझे हायर कर लिया तो मैं कंपनी पर एक बोझ बन जाऊंगा। आज एक और इन्वेस्टर ने पुल आउट कर लिया। सर हर रोज फॉलोअर्स और नंबर्स गिर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बट क्या कर सकते हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ये किस तरह का बिहेवियर है तुम्हारा? हमने तुम्हें ब्रांच हेड इसलिए नहीं बनाया था कि तुम हैंडीकैप लोगों से डिस्क्रिमिनेशन करो। I'm really sorry sir, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। Sorry से काम नहीं चलेगा। Board of Directors ने तुम्हें निकालने का decision लिया है and it's effective immediately. What? Sir, मेरी बात तो सुनिए sir. Sir, I'm really sorry. मुझे एक chance दीजिए sir, please sir. You are fired. Hello, sir. प्रतीक जी, थैंक यू सो मच प्रतीक जी, मुझसे आज मिलने के लिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे आपसे उस दिन ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। अगर आपको सब समझ आ ही गया है तो आई थिंक वो काफ़ी है। एंड मुझे सुनने में आया कि आपको फायर कर दिया गया। हाँ, और पब्लिकली मेरी इमेज इतनी गिर गई है कि मुझे कहीं और काम भी नहीं मिल रहा है। देखिए, आपने मुझे मेरी डिसेबिलिटी को लेकर जज किया, लेकिन मुझे आपकी कैपेबिलिटीज पर पूरा यकीन है, तो अगर आप चाहें तो मेरी मैगजीन की नई ब्रांच को ऐड कर सकते हैं। श्योर, थैंक यू सो मच प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों को उनकी कैपेबिलिटीज के बेस पर ही आएंगे। वी वर नॉट बॉर्न विद द कैपेबिलिटी ऑफ वॉकिंग और टॉकिंग ऑन द वेरी फर्स्ट डे। इट टुक टाइम, it took mentorship, it took a lot of motivation. Let's accept each other's incapabilities and support each other. That's it for this story. See you next week. Khuda hafiz and stay positive. Agar aap apne life mein kisi bhi tarah ki problem face kar rahe hain aur usko aap kisi ke sath share karna chahte hain to humne ek website banayi hai jiska naam hai nijo.plus. iska facebook group chat ke liye available hai aur calling ke liye aap hamari website pe aa sakte hain जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।